एसटीईटी के 2022 के परीक्षा फॉर्म से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑप्शन गायब है। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जैसे कैटेगरी तो मौजूद हैं, लेकिन सवर्णों को मिलने वाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कैटेगरी गायब है। बता दें कि परीक्षा फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस कोटे से परीक्षा फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड छात्र, जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन में 45 से 50 फीसदी नंबर आए हैं, वो काफी परेशान हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑप्शन नहीं होने की वजह से शिक्षक बनने का उनका सपना टूटता साफ दिखाई दे रहा है। खबर आने के बाद एक और जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले सवर्ण छात्र परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महागठबंधन सरकार पर साजिश करने का आरोप लगा रही है। एसटीईटी की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का कॉलम नहीं होना एक संयोग नहीं है, बल्कि एक महागठबंधन की सरकार के द्वारा किया हुआ प्रयोग है। प्रयोग नंबर एक ये है कि समाज में जातीय विद्वेष फैले, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई बिहार में वापस उत्पन्न करना चाहती है महागठबंधन की सरकार। और दूसरी बात कि जो 10 लाख नौकरी देने की वादा राजद की सरकार ने किया था, आज जब उसको वो पूरा नहीं कर सकते तो एक असंवैधानिक काम करके इन्होंने इस परीक्षा को भी लटकाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसलिए ये पूरा का पूरा राजद के द्वारा और महागठबंधन सरकार के द्वारा किया हुआ प्रयोग है, लेकिन जो छात्र हैं आने वाले समय में वो राजद की सरकार को और नीतीश जी की सरकार को जवाब देंगे। बीजेपी क्यों सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, चलिए आपको बता दें। आरजेडी शुरू से ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विरोधी रही है। आरजेडी ने सदन में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था। ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है आरजेडी, मंडल वर्सेस कमंडल का माहौल बनाना चाहती है आरजेडी। खैर, सियासत तो होती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑप्शन नहीं होने की वजह से पीड़ित अभ्यर्थियों को क्या क्या परेशानी हो रही है, चलिए आपको बता दें। क्यों परेशान है ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आने वाले एसटीईटी 2022 के अभ्यर्थी? एसटीईटी 2022 के लिए 23 जनवरी 2023 है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। गरीब सवर्ण छात्रों के हाथ से निकला आरक्षण का मौका। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में नहीं मिलेगी 5% की छूट। पोस्ट ग्रेजुएशन में 45 से 50% तक नंबर लाने वाले अभ्यर्थी नहीं बन पाएंगे शिक्षक। एसटीईटी के दोनों विज्ञापन से गायब है ईडब्ल्यूएस छात्रों को योग्यता में छूट की बात। सरकार से आखिर अभ्यर्थी वर्तमान परिस्थिति में क्या मांग कर रहे हैं, वो भी आपको बता दें। बिहार सरकार से एसटीईटी 2022 के अभ्यर्थियों की मांग। एसटीईटी 2022 की परीक्षा में तत्काल मिले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चुनने का हक। आवेदन की आखिरी तारीख 1 सप्ताह तक आगे बढ़ाई जाए। परीक्षा लेने वाली संस्था स्वीकार करे अपनी भूल, दोषियों पर हो कार्रवाई। खैर, मामला सामने आने के बाद छात्र परेशान हैं। सवाल तो कई है, लेकिन इन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार के पास है और देखना होगा कि पूरे मामले पर सरकार का क्या कुछ रिएक्शन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।